गोवर्धन फाउंडेशन द्वारा आज नेहरू नगर स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल के छात्रों के साथ मिल महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए शहर को स्वच्छ एवं स्वच्छता में नंबर एक लाने रैली निकाली गई। इस रैली को रीवा CSP प्रतिभा शर्मा, ASI प्रमोद पांडे, समाजसेवी अविराज, गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छ रीवा, स्वस्थ रीवा एवं नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान का नारा लगाते हुए नेहरू नगर का क्षेत्र का भ्रमण किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी से CSP प्रतिभा शर्मा एवं संगठन के पदाधिकारी अभिषेक सिंह गहरवार से जानकारी के अनुसार। इसमें फाउंडेशन के माध्यम से स्कूल के बच्चों को ये संदेश दिया गया, स्पेशली लड़कियों को, कि अगर कोई जो सम्मान अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है कि महिलाओं में एक जागरूकता अभियान है ये, जिसके माध्यम से कि स्पेशली गर्ल्स की जो छोटी बच्चियां हैं स्कूल की, उनमें सजगता लाना, अगर कोई आपका पीछा करता है या परेशान करता है तो उनको पोस्टर के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है, आप डरे नहीं, आप बेझिझक होकर पुलिस के पास आएँ, आप बताएं और उसका विरोध करें। हाँ, इसके हमने थोड़ी सी और जागरूकता लाने के लिए बच्चों के साथ में एक छोटी सी रैली का भी आयोजन किया, जिसमें कि हमने जो नेहरू नगर है उसमें एक स्कूल है उसके बच्चों को साथ में लेकर कुछ एक एरिया को हमने कवर करने की कोशिश की, जिससे कि लोगों के पास मैसेज जा पाए। आज रीवा के नेहरू नगर में ऑक्सफोर्ड स्कूल में स्वच्छता सम्मान अभियान व नारी सम्मान को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया, साथ ही वहां पर रैली निकाली गई बच्चों की, जिसकी अगुवाई CSP हमारे रीवा की CSP मैडम प्रतिभा शर्मा व समाज सेवी अविराज जी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य रीवा को स्वच्छ बनाना और रीवा रैंकिंग को में नंबर वन ले आना, और साथ ही जो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, चाहे वह बलात्कार या उनका पीछा करना या बहुत सारी ऐसी घटनाएँ, उसके विरोध में या उसके जागरूक करने के लिए लोगों को इस रैली का आयोजन किया गया था। गोवर्धनम फाउंडेशन के द्वारा लगातार इस ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और हम आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे जो भी हमें ज़रूरी लगेंगे, क्योंकि आज की डेट में महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि हम सभी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ में हमारे कलेक्टर सर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, उनके द्वारा भी हमारे स्वच्छता अभियान में आप साथ दिया जा रहा है। रीवा के जो चिन्हित कर जो गंदे इलाके हैं, चाहे वह बैजू धर्मशाला हो, बस स्टैंड वगैरह हो, तो उनको हम लगातार साफ करवाने में हमारी संस्था प्रयासरत है और हम आगे भी ऐसा काम करते हैं। नाम और पद मेरा अभिषेक सिंह गहरवार, अध्यक्ष गोवर्धन फाउंडेशन।